हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए जॉब अपडेट के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आईटीआई पर। दोस्तों, आज जो जॉब अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये जॉब निकली है राइट्स में, जो कि भारत सरकार की एक मिनी रत्न कंपनी है। और इसका कार्य भारत के रेलवे, मेट्रो, रोडवेज, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी की सेवाएं देना है। और ये जो जॉब निकली है, इसमें आईटीआई पास कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट निकाली गई है। और इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर बात करें इस वैकेंसी में निकाली गई पोस्ट की, तो आप देख सकते हैं इसमें टेक्नीशियन एयर कंडीशनिंग की पोस्ट निकाली गई है, जिसके 2 पद कुल निकाले गए हैं। इसी तरीके से टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की पोस्ट निकाली गई है, जिसके भी 2 पद निकाले गए हैं। टेक्नीशियन मैकेनिकल इंटीरियर फर्निशिंग की पोस्ट है, जिसके 2 पद है। टेक्नीशियन मैकेनिकल प्लम्बिंग वर्क्स की 2 पोस्ट है। टेक्नीशियन मैकेनिकल एयर ब्रेक एंड बोगी इक्विपमेंट की 2 पोस्ट है। ये जो वैकेंसी निकाली गई है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के लिए निकाली गई है, यानी कि आपको रेलवे में कार्य करना होगा। रेलवे के अंतर्गत जो आपकी लोकेशन रहेगी, वो रहेगी गुड़गांव और दिल्ली के आसपास। अब ये तो बात हुई वैकेंसी और पोस्टों की, इसमें मैं आपको बता दूं फिजिकली हैंडीकैप के लिए 2 पोस्टें अलग से निकाली गई है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 40 वर्ष रखी गई है, जो कि 1 मार्च 2023 कट ऑफ डेट तक होनी तक हो सकती है। ठीक है, इसमें मैं आपको बता दूं मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। टेक्नीशियन एयर कंडीशनिंग के लिए आईटीआई पास होना जरूरी है। इसके अलावा अगर आपने अप्रेंटिस कर रखी है एयर कंडीशनिंग में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो ट्रेड है आपकी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल हो सकती है, इसमें आपको 2 वर्ष का अनुभव भी होना आवश्यक है। आगे बात करते हैं, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल वाली पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका आईटीआई या फिर अप्रेंटिस होना जरूरी है। इसके अलावा इसमें भी 2 वर्ष के अनुभव मांगा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, टेक्नीशियन मैकेनिकल वाली पोस्ट में अप्लाई करने के लिए जो इंटीरियर फर्निशिंग वाली पोस्ट है, इसमें आईटीआई पास होना जरूरी है। इसके अलावा अगर आपने अप्रेंटिस की हुई है इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही 2 वर्ष का अनुभव यहाँ भी मांगा गया है। टेक्नीशियन मैकेनिकल प्लम्बिंग वर्क में आईटीआई या फिर ट्रेड अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल ट्रेड वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 2 वर्ष का अनुभव अगर उनके पास है तो। आगे देखते हैं, टेक्नीशियन मैकेनिकल एयर ब्रेक एंड बोगी इक्विपमेंट के लिए आईटीआई और ट्रेड अप्रेंटिस मैकेनिकल ट्रेड में होना जरूरी है। साथ ही 2 वर्ष का अनुभव यहाँ पर आवश्यक रखा गया है। जो अनुभव है उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, इस वैकेंसी में जो जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, उनको अप्लाई करने के लिए मिनिमम 60% तक उनकी जो क्वालिफाइंग मार्कशीट है उसमें होना चाहिए। जैसे कि आपके आईटीआई में मिनिमम 60% अंक होना जरूरी है। अगर एसटी एससी ओबीसी कैंडिडेट की बात करें, तो उनके लिए मिनिमम 50% होना जरूरी मांगा गया है। आगे बात करते हैं, इस वैकेंसी में जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है, वो रिटर्न टेस्ट के ऊपर रखा गया है, यानी कि आपका रिटर्न टेस्ट होगा और रिटर्न टेस्ट के आधार पर ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। जो रिटर्न टेस्ट होगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा और इसमें ऑनलाइन भी हो सकता है और ये ऑफलाइन भी हो सकता है। ठीक है, इसमें 125 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। 2.5 घंटे का कुल ये पेपर रहने वाला है। इस जो एग्जाम का जो प्रोसीजर है, जो सिलेबस है, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, जो कि लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। इस वैकेंसी में आपको जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब दी जाएगी, यानी कि आपको मिनिमम 1 वर्ष से लेकर अधिकतम जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, उस आधार पर आपको जॉब यहाँ पर मिलने वाली है। इसमें जो सैलरी रहने वाली है, वो 20,000 से लेकर 66,000 रुपये सैलरी रहने वाली है। जो अप्रोक्सीमेट सीटीएस है, यानी ईयरली आपका जो पैकेज है, वो 4.95 लैक्स पर एनम का हो रहने वाला है। इसमें जो आपको 23% बेसिक पे, एचआरए, लीज कॉन्ट्रीब्यूशन, पीएफ, ये अदर अलाउंसेस आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपको जो लीव्स, अदर जो लीव्स की फैसिलिटीज है, वो भी आपको मिलने वाली है कंपनी के नॉर्म्स के अनुसार। ठीक है, इसमें जो आपको पोस्टिंग है, वो गुड़गांव और दिल्ली में मिलती है। तो जो मैंने आपको 4.95 लाख का आपको पैकेज बताया था, वो रहेगा। इसके अलावा अगर आपको आउट ऑफ इंडिया भेजा जाता है, तो आपको अदर अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस वैकेंसी में आपको काफी सारे चांस रहेंगे, अदर लोकेशंस पे भी काम करने के, आउट ऑफ इंडिया में जाने के भी चांसेस आपके पास रहने वाले हैं। क्योंकि जो ये कंपनी है, इसके जो प्रोजेक्ट है काफी सारी जगहों पर है। आप केवल इस आधार पर इसको ना देखें कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, इसमें आपको परमानेंट वर्क भी मिल सकता है। ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें अप्लाई करने के लिए जो फीस रखी गई है, वो जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 600 रुपये है, एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 300 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फीस यहाँ पर रहने वाली है। इसके अलावा टैक्सेस अलग से रहेंगे। अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपको करियर वाले ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। करियर वाले ऑप्शन में जाकर आपको यहाँ पर आप देखेंगे, मैं बता देता हूँ आपको, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर आप जैसे ही जाएंगे, यहाँ पर इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ वैकेंसी नंबर में आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, टेक्नीशियन एयर कंडीशनिंग, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, जिस भी पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद जो
जो डिटेल्स है यहाँ पर आपको भरनी पड़ेगी, जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स है और सबमिट करना पड़ेगा। इस तरीके से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, इसके बाद आपको दोबारा से लॉगिन करके आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे मैं आपको बता देता हूँ, इस वैकेंसी में जो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, सबसे पहले तो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे उसकी प्रिंट निकलवा के उसको सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है। साथ ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी हुई है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको क्रम वाइज अपलोड कर देने हैं। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट अपलोड होना जरूरी है। इस वैकेंसी में जो रिटर्न टेस्ट होगा ये 6 लोकेशंस पर होगा। ये 6 लोकेशन यहाँ पर दी हुई है, दिल्ली, गुड़गांव, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद और नागपुर, इन 6 लोकेशंस पर इस वैकेंसी का जो है एग्जाम होने वाला है, जिसकी डेट और एग्जैक्ट वेन्यू की इन्फॉर्मेशन आपको एडमिट कार्ड में अप्लाई करने के बाद मिल जाएगी। इस वैकेंसी में जो सिलेबस है वो आप देख सकते हैं, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का सिलेबस दिया हुआ है। इसी तरीके से हर पोस्ट का सिलेबस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एयर कंडीशनिंग का सिलेबस है, टेक्नीशियन एयर ब्रेक का सिलेबस है, सभी जो पोस्ट है उनका सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। आप अच्छे से पढ़ ले, उस अनुसार तैयारी कर सकते हैं। आगे मैं आपको बता दूं, इस वैकेंसी के लिए 1 मार्च 2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, जिसकी अंतिम तिथि 25 मार्च 2023 रहने वाली है। 25 मार्च 2023 को आप फॉर्म भरने के साथ साथ आपका पेमेंट भी कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो वैकेंसी है ये काफी अच्छी वैकेंसी में, इसमें आप जरूर अप्लाई कर दें। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, जॉब अपडेट आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथ ही आईटीआई के इसी तरह के जॉब अपडेट्स को रेगुलर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, और आप यहाँ पर आईटीआई के जो अदर वैकेंसीज अब फिलहाल निकली हुई है उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें और टेलीग्राम पर भी जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।